समाजवादी पार्टी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आप चुनाव आयोग पहुंचे, किन मसलों को लेकर आप यहां पर पहुंचे? देखिए, चुनाव के समय और चुनाव से थोड़ा पहले से कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे आम लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। वो 4-5 बिंदु थे जिनसे मैं चुनाव आयोग को अवगत कराने आया था। मैं किसी की शिकायत करने नहीं आया था, आप लोग समझते हो शिकायत करने आए। वो बातें ये थीं, एक तो मैंने कहा कि सारे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सीआरपीसी की धारा 107-16 के अंतर्गत कार्रवाई हो गई है और इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है कि तहसीलों में जगह नहीं, मुचलके भराने जाते हैं, एसडीएम साहब चुनाव की वजह से व्यस्त हैं, अगर नहीं बैठे तो दिन भर लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, फसलें कट रही, गेहूँ कटने का वक्त है, तो अनाव और जहाँ कोई झगड़े झंझट की अंदेशा नहीं, जहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं है, उसमें भी दो पार्टियाँ दिखा के लोगों को बना पाबंद करने का बात हो रही जो होना नहीं चाहिए, और वो केवल कहीं एक ज़िले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये पार्टियाँ जो जिन पर नोटिस दिया जा रहा है वो केवल समाजवादी पार्टी के लोगों, सत्ताधारी दल के लोग तो साधु संत हैं, उनके खिलाफ तो ही नहीं सकता कुछ, नंबर एक। नंबर दो, जब चुनाव होता हो तो आप सब जानते हैं 2-4 साल से पिछले कुछ चुनावों से ही चलन चल गया है कि बड़े पैमाने पर विपक्ष के कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर रेड कार्ड इशू कर दिए पुलिस, कि आप प्रचार करने नहीं जा सकते हो, आप बूथ पर नहीं आ सकते हो, और उनको घरों पर नहीं रहने दिया जाता है, पुलिस परेशान करती है, तो उसकी भी जानकारी दी, अधिकारियों की जानकारी थी नहीं थी, उन्होंने कहा है कि रेड कार्ड के जैसे सैंपल भेजना अगर दिए जाएं अभी तो मैं देखता हूँ। क्या आश्वासन सर चुनाव आयोग? आश्वासन चुनाव आयोग का रुख बिल्कुल ठीक है, जो जायज बातें थी, हम किसी की शिकायत करने तो आए नहीं, क्या उसे हटाओ ऐसे हटाओ या फलाना ये कर रहा है। अच्छा, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो है, तो एजेंट के पास वही होगा, चाहे वो बीजेपी का एजेंट हो, चाहे हमारा हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य किसी पार्टियों का हो, लेकिन देखा ये गया है कि कुछ मतदाताओं के नाम के ऊपर लाल स्याही चंद लाइन खींच दी जाती है या कुछ पर डिलीटेड की मोहर लगा दी जाती है, तो अगर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई मतदाता मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी तो ठीक है, लेकिन मतदाता सामने खड़ा है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, आधार कार्ड है, पर्ची है बीएलओ द्वारा दी गई, लेकिन आपका वोट है ही नहीं, तो इस पर रोक लगाने के लिए कहा है कि इंस्ट्रक्शन दें कि कोई रिटर्निंग अफसर इस तरह की कोई हरकत न करे। और एक बहुत सेंसिटिव मसला ये है, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी महिलाएं हैं, चाहे हिंदू हों, जो घूंघट लगाती हैं, और मुस्लिम महिलाएं तो बुर्का पहनती हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो लोग जो हैं, अगर महिलाओं के आइडेंटिफिकेशन के नाम पर घूंघट हटाने या बुर्का हटाने की बात करेंगे तो वो डिपेंड ऑलरेडी, इसके लिए सिर्फ महिलाओं को ही होना चाहिए। पोलिंग अफसर, प्रिसाइडिंग अफसर को ही अधिकार होता है, किसी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के आदमी को नहीं होता है, तो इसके कहा है कि हमको कुछ करिए वरना तनाव हो जाता है इसकी वजह से। और एक ये है, आखिरी मेरा बिंदु ये था, एक तरफ इलेक्ट चाहे देखिए हर जगह लिखा है वोट दीजिए 100% वोट दीजिए, और बड़े अधिकारी जाके वहाँ के जिलों में कहते हैं कि नहीं इन पोलिंग स्टेशनों पर 60% से ज़्यादा वोट नहीं होना चाहिए, कम से कम वोट पड़ना चाहिए, तो इसको रोकें, ये हमने मांग की। सर, आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में खूब प्रचार कर रहे हैं, मेरठ गए, गाजियाबाद गए, आज पीलीभीत में प्रचार करने वहाँ पर, बीजेपी इज गोइंग टू लूज उत्तर प्रदेश टोटली। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, रामगोपाल यादव जो चुनाव आयोग पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा चुनाव आयोग के साथ रामगोपाल यादव की हुई है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।